हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार मैं तानिशा अपने सकुक मोर यूट्यूब चैनल तानिशा स्वाली में स्वागत जानसो। आशा करूँ सको भले सेफलि आज मैं अपना ऊर हाँ मांग टेस्टी रेसिपी लो आई आशा करूँ अपने मोर भिडियो चाहे भल पा और भिडियो शेष लैक चाह जो मोर भिडियो चाहे भल पाए मोर भिडियो लाइक कर शेयर कर कमेंट कर और मोर चेनेल जो नतुन है दें मोर चेनेल सबसक्राइब कर दी और आपनी अलरेडी मोर सबसक्राइबार है दें थैंक यू भेरी माच फॉलो। मैं हाँ माँखनी भलदरे धुई साफा कर हालधी गुड़ी तेजपात गरम मसला मीट मसला धनिया गुड़ी निमख और काश्मीरी लाल मिर्च लैसो और एया मैं जीरा और जालुक एक अलमान पानी दी मिक्सित पेस्ट कर लैसो और एया आदा और नहरू मैं एक पेस्ट कर लैसो एया मैं लंग दालचीनी इलाची एखिनि अलग गुड़ा कर लैसो। इतना मैं एन के गेस ऊपर तल गरम राखी दूँ ए मैं तलख गरम हम पिंज़ी दी दूँ इतना मैं इतना तेजपात कैखिलाओ दूँ और यह मैं लारी दीम भलदरे तार पिछत मैं जिखिनि मसला लै लैछिलो गुटेखिनि मैं एकेलगे इयात दि दिम आरो एखिनि मैं भालदरे मिक्स करि लैलो। इतना मैं इतना जीखिनि आदा और नहरू पेस्ट कर लैसो गुटेखिनि इयात दि दिम आरो एखिनि मैं भालदरे मिक्स कर दि दिम इतना मैं जीखिनि जीरा जालुकर पेस्ट आखिनि दी दिम और गुटेखिनि मैं एक भलदरे भाजी लम जाते गुटेखिनि इनग्रीडियंट्सर जीवन केचा गोंध थके जाते नाइकिया हो जाए। तार पिछत मैं जलकिया गुड़ी दिसु मैं इतना दो चामच जलकिया गुड़ी दिसु आपनलके इयार कम बेसिओ करिब पारे एया एखिनि धुनियाक भजा हो गल इयार तेल उलाय गैछे धुनियाक एतिया मैं इतना मांखखिनि एड कर दिम इतना मैं ये भलदरे मिला भलदरे भाजी लै लम एमार मांगखिनि भलदरे भजा हो गल इतना मांगखिनि भजा हर पाशन मैं इतना वन कप पानी एड कर दीम तार पिछत मैं इतना ढाकनी मारी दी दीम 15-20 मिनट मान कारण एया 15-20 मिनट पिछत मैं ढाकनी खुली दिल और यह मैं भलदरे मिला लै लम ये आमार मांखखिनि आको भालदरे भजा हो गल इयात मैं वन एंड हाफ कप आको पानी एड कर दिम तार पिछत मैं एखिनि भालदरे मिलाई लै लम पानीखिनि एड कर
এতিয়া মই আকৌ ঢাকনিখন 20-25 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ মাৰি দিছোঁ। মই 10 মিনিটমানৰ পিছতে ঢাকনিখন খুলি যিখিনি গৰম মছলা আছিল গোটা মানে লং ডালচেনি ইলাইচি সেইখিনি মই ইয়াত এড কৰি দি দিলোঁ। আকৌ ঢাকনিখন মই 15 মিনিটমানৰ কাৰণে মাৰি দি দিলোঁ। এয়া 15 মিনিটৰ পিছত ভালদৰে পানীখিনি নোহোৱা হোৱাত মই ইয়াত যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ আলু সেইখিনি মই ইয়াত এড কৰি দি দিলোঁ। এতিয়া মই আলু আৰু মাংসখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ ল'ম আৰু ভালদৰে 5-6 মিনিটমান আলু আৰু মাংসখিনি আকৌ এবাৰ ভাজি লৈ ল'ম। এয়া আলু আৰু মাংসখিনি মোৰ ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত আকৌ 1.5 কাপ পানী এড কৰি দি দিম। তাৰপিছত মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ আকৌ 20-25 মিনিটৰ কাৰণে কভাৰ কৰি দি দিম। এয়া আমাৰ হাঁহৰ মাংসৰ তৰকাৰীখন প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু অলপমান পানী এবজৰ্ব হোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আমাৰ ৰেচিপিটোৰ ফাইনেল লুক। একদম ইজি হয় ৰেচিপিটো আৰু বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় দেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।